तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ गया हूँ PUBG गन्स कलेक्शन। मेरे पास यहाँ पे 3 बड़े बड़े पैकेट और इनके अंदर बहुत सारा सामान है। बिना किसी देरी के जल्दी से 1x1 इनको ओपन करते हैं, इनकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कितने बेहतरीन आइटम्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले इस सॉर्ड वाले पैकेट को हम ओपन करेंगे और फ्रंट से बिल्कुल मुझे राजा और महाराजा जैसा फील आ रहा है। तलवार, धनुष, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और पीछे की तरफ अगर मैं इसे पलटा के देखूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे धनुष हमें लाइट क्या क्या सिग्नल दे रहा है, मतलब लाइट वाइट है इसके अंदर, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। उसके ठीक नीचे हमको एक टारगेट देखने को मिल जाता है, जिसे हम कट करेंगे तो टारगेट जो है वो बाहर आ जाएगा। और उसके ठीक नीचे क्या दिखता है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो तलवार है उसमें भी कुछ म्यूज़िक वगैरह, लाइट वगैरह ये बोल रहा है, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। बिना किसी देरी के जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं, बट उससे पहले इसकी प्राइस बता दो दोस्तों, 500 रुपये के आसपास मुझे मिल गया था। सो लेट्स गेट ओपन इट। तो ओवन हो चुका है। सबसे पहले इस शील्ड को उठा के देखते हैं। फर्स्ट अगर बार मैं इसे हाथ में उठाऊं तो यार बहुत बढ़िया फील यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा प्लास्टिक है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा यहाँ पे इसे किया गया है। और मजबूती की बात करें तो यार अभी क्या ही आपको कौन सा युद्ध में इसे लेके जाना है, ठीक ठाक ही है प्लास्टिक का जिस हिसाब से इसकी प्राइस है, बट मुझे डिज़ाइन और फिनिशिंग बहुत बढ़िया यहाँ पे लग रही है। आप देखिए किस तरह से फोल्डर है, उसके ठीक नीचे हमारी तलवार रखी हुई है भैया, बाहुबली की तलवार या पबजी की पता नहीं, बट तलवार है। और ये भी काफ़ी फ्लेक्सीबल है दोस्तों, और ये प्लास्टिक कुछ मटेरियल है, मतलब लोहा हुआ नहीं है। बट यार लाइट वाइट कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है भैया वो लाइट जो आपने पीछे लिखी हुई थी? यार पता नहीं कंपनी वाले लिख देते हैं अंदर से, कुछ लाइट वाइट कुछ है नहीं, कुछ बटन है नहीं बस ऐसे ही। बट यार कूल बहुत ज्यादा लग रही है, आप देखिए मतलब नीचे भी इन्होंने काफी अच्छा डिजाइन दिया गया, और ऐसे ही नहीं कि मतलब ऐसे बना दिया 500 रुपए के हिसाब से, काफी सही बनाया। तो मुझे ये चीज काफी सही लग रही है। पेंट थोड़ा सा बीच में से गायब हो गया, और ये है हमारे तीर तरकश में रखे हुए, तो ये बड़े कूल लग रहे हैं भैया। और नीचे आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ से आपको इसे बाद में दिखाऊंगा कैसे कैसे लगाना है, बट सक्शन मतलब कि आप इसे किसी ग्लास के ऊपर या अलमारी के ऊपर मारोगे तो भैया तीर जो है चिपक जाएंगे। और होल्ड करने के लिए देखिए यहाँ पे एक क्लिप भी दिया गया है, जिसे आप पीछे अपने टी शर्ट में लगा के ना मतलब बाहुबली जैसा फील ले सकते हो। तो यार ये बड़ी सही चीज है कि मतलब तरकश भी हमको दिया गया, वो फंसा के चील वील सी बनी हुई। और ये है धनुष, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का धनुष यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है दोस्तों, काफी मतलब चील जैसा ही लग रहा है, मतलब कुछ चिड़िया जैसा लग रहा है। ओवरऑल जल्दी से पहले इस टारगेट को निकाल लेते हैं बाहर एक बार, इसको भी देख लेते हैं मतलब क्या रोल है भैया इसका। तो बढ़िया साइंस लग गया, ऊपर आपको एक हुक दिख रहा होगा, इसमें छेद ऐसे आप कहीं भी टांग सकते हो और निशाने मार सकते हो, आपस में कॉम्पिटिशन कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के अब जल्दी से करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं कैसे वर्क करती है ये धनुष गन। नेक्स्ट हमारे पास है PUBG का एक अल्टीमेट कलेक्शन वाला किट, तो जल्दी से इसको एक बार ओपन कर लेते हैं और अंदर के सामान को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर निकल के आती है भैया प्लास्टिक की ये गोल गोल वाली गोलियाँ, जो कि बहुत फेमस है, हर गन के साथ मिलती है। तो ये पिस्टल है और इसके अंदर सिंपली आपको पीछे से कुछ इस तरह से खींचना है, और ऊपर जो स्लॉट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको डालनी है भैया ये प्लास्टिक वाली गोली। मुझे लगता है लगभग सबको ही पता होगी, ट्रिगर दबाओगे आप तो ये जो गोली है ये आगे की तरफ चली जाएगी। मैं थोड़ा हाथ लगा लेता क्योंकि इतनी कोई प्रेशर यहाँ पर नहीं है, बहुत ही हल्के से जाती है। तो चलिए इस गन को तो यार साइड रख लेते हैं और अगला आइटम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। ये है डार्ट,
और ये जो है सक्शन वाले हैं, अब ये कहाँ पे लगेंगे दोस्तों वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये नाइफ में लगेंगे। नाइफ में कैसे लगेंगे वो थोड़ा सा मतलब मज़ेदार है, क्योंकि अब तक नाइफ में मैंने देखा नहीं था। बट उससे पहले पबजी का ये जो क्या कहेंगे इसे पान जो कि हमेशा से मिलता है इसकी मेन पहचान, तो इसमें तो इसका कोई रोल नहीं भैया, इससे आप किचन विचन खेल लेना, उसमें डाल देना इसको। फिलहाल इसको रख देते हैं साइड में और तीन डार्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, ये गन में लगेंगे, बाद में आपको दिखाऊंगा। ये है वो नाइफ जिसमें हम वो लंबे वाले जो गोलियां को मिली थी वो लगाएंगे, बट क्वालिटी वाइज ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है, शाइन वाइन पकड़ने में सब कुछ बढ़िया। अब जल्दी से देख लेते हैं भैया गोली वोली कैसे लगती है इसमें। तो आगे आपको स्लॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको इंसर्ट करनी है ये वाली गोली, कुछ इस तरह से आपको करना है पुश। हो गया क्या भैया? हो गया शायद, ऊपर एक बटन दिया हुआ है, जैसे इस बटन को दबाओगे ये जो है वो अब हुआ है, अब आगे जाके गोली फंसी है। अब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, ये काफ़ी सही चीज़ लगी भैया, पर भैया आँख वाँख पे मत मारना। फिलहाल ये हमारा मेन आरपीजी रॉकेट लॉन्चर आप इसे कह सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, और बिल्कुल मतलब वैसे तो हल्का है बट दिखने में हैवी जैसा लगता है। तो सिंपल प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, कोई ऐसी कोई हाईफाई चीज़ इसमें लगी नहीं हुई है। तो आपको लोड करनी है भैया इसके गोले, गोले कहाँ हैं भैया इसके, एक बार लोड करके आपको दिखा देता मैं किस तरह से लोड होते हैं। और आगे पीछे कुछ नहीं खींचना, सीधे गोला आगे की तरफ से लोड करना है। तो ये है इसका गोला गोल्डन कलर का, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और शाइन भी काफ़ी अच्छी आ रही है, पर ये धमाका करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, धमाका नहीं करेगा, सिंपली ये आगे जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको इसे फिट करना है, प्रेस करके देखो क्या एक बार, रुको, ओके ये भी लोड हो चुका है। ट्रिगर दबाएंगे तो गोला जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो एक बार आपको दिखाते हैं हल्का सा, ये लीजिए तो गोला भी जा चुका है दोस्तों। इस तरह से आगे तीन गोले यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं इसके साथ में। इससे पहले कि इसकी टेस्टिंग करें कंप्लीट मतलब बढ़िया तरीके से, एक बार आपको छोटी वाली गोली भी इस पिस्टन के अंदर डाल के दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके भैया किस तरह से वर्क करती है। तो ये डाला, ये मैंने खींचा और ये हो गया। तो चलिए डिटेल टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी आज की लास्ट गन, MP5 बैटरी ऑपरेटेड गन 6+ AG, यहाँ पे स्मोकिंग इफेक्ट इसके साथ में दोस्तों। और ये देखिए छोटी सी एपकोट यहाँ पे एक वो दिख रही होगी शीशी, जिसके अंदर कुछ चीज़ है जिससे कि स्मोक इफेक्ट आएगा। MP5 बैटरी ऑपरेटेड है, ऊपर आपको धुएं जैसा चित्र भी दिख रहा होगा, लाइट भी है वाओ, और बहुत सारे और भी फंक्शन इसके साथ में है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों कि इतने सारे फंक्शन पता नहीं क्या क्या होंगे। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों तीन पीसेस यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाते हैं। ये है MP5 गन, क्वालिटी गन की बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इसे देख के। जिस तरह से यहाँ पे ये कौन सा बटन है भैया, मतलब यहीं से तो नहीं डालनी है वो बूंदे धुएं वाली। फिलहाल ट्रिगर विगर कुछ इस तरह से है यार, मतलब निकलेगी मैगजीन। फिलहाल ये ऊपर क्या है यार, ये है स्कोप इसका, और इसमें लाइट लाइट जलेगी शायद, कैसे जलेगी भैया
देखना पड़ेगा एक बार, घुमा के। ओके, यहाँ पे सेल वाला जो स्ट्रिप ऐसे निकाल दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जो रंग बिरंगी सी लाइट है भैया, ये देखिए आप, लाइट जल गई बिल्कुल नाइट विजन, मतलब रात के समय भी आप बिल्कुल सटीक फायर जो है इससे कर सकते हो। नीचे पीछे की तरफ ये बट हैंडल को आप कुछ इस तरह से जोड़ दोगे और ये ड्रॉप्स जल्दी से डालते हैं भैया। धुआं देखना है, स्मोक देखना है हमें यहाँ पे। तो ये क्या क्या लिखा है इसमें, कौन सी भाषा है ये चाइनीज ही होगी लग रहा है। चलिए यहाँ पे चार बूंदे आपको डाल देनी है और उसके बाद में इसे बंद कर देना है और करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पबजी टॉयज कलेक्शन। फिलहाल मुझे बताना यार ये MP5 गन जो है ये पबजी की है या फ्री फायर की है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मुझे शायद लग रहा है यार फ्री फायर की लगती है MP5 जो गन होती है। फिलहाल के लिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, मज़ा आया बहुत टाइम के बाद, मतलब ये गन्स वंस का कलेक्शन मैं लेके आया। बट ओवरऑल बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मिली और सबके सब आइटम जो थे वो 500 से 600 की रेंज में थे, तो प्राइस भी यहाँ पे कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी। ओवरऑल यहाँ पे यार वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर ठोक के जाना। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।